So, लहरे लांग ना पाए क्यों सी नाव है तेरी नाव है तेरी टफ बट इट्स वेरी गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम टू ऑल आप सभी खूबसूरत लोगों का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल पर जिसका नाम है ऑलिव बोर्ड मैं रोशन प्रताप सिंह आपका मेंटर ऑफ क्वैंट आज हम स्ट्रेटेजी देखेंगे आई बी एस IBPS क्लैरिकल दो हजार चौबीस के लिए ठीक है तो क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है क्वांट की तो क्वांट सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो एक वाइड रेंज ऑफ फोबिया होता है क्वांट का बट अगर आप उसको स्ट्रेटेजी आउट करोगे तो सबसे ज्यादा इजिली गेन आउट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ठीक है तो इस सेक्शन में मार्क्स को को कैसे गेन करना है है क्या रहने वाली आपके 2024 को वो हम डिस्कस कर रहे होंगे दो क्लैरिकल चौबीस के बारे में बात करेंगे ठेके? तो जनरली प्यारे बच्चों जो सेक्शन होते हैं उसे दो भागों में हम करते हैं. एक सेक्शन होता आपका स्पीड मैथ्स का और एक सेक्शन होता अर्थमेटिक

किसी भी बच्चे को पैरल प्री के साथ साथ मेन्स की भी तैयारी करते रहनी चाहिए क्योंकि मेन्स के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है सिर्फ पंद्रह से एक महीने के अंदर ही आपका मेंस कन्वर्ट हो जाता है और उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं सीखना होगा जो आपने प्री में देखा होगा वही देखना पड़ेगा आपको मेंस में भी तो बट आपको पैरेलली दोनों को लेकर चलना होगा तो कई बच्चे ये गलती करते हैं कि वो प्री का एग्जाम और यही गलती है कि बार बार वो अपने पिताजी को यह बोलते हैं कि इस पापा इस बार एक मार्क्स से रह गया अपने दोस्तों को बोलते हैं कि पॉइंट टू फाइव से निकल के ठीक है कट ऑफ बैरियर नहीं है आप कट ऑफ से पांच सात मार्क्स ऊपर भी ला सकते हो किसी ने आपका हाथ नहीं रोका हुआ ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना अगर आपको ऑन एन एवरेज आपको प्री मेंस दोनों में अगर आप अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पहले से लेकर चलनी होगी ठीक है अब आते हैं अर्थमेटिक के पांच सेक्शन पर एक तो आपके वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म भी क्वेश्चन पूछते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया हो गया टाइम एंड वर्क हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया वो स्ट्रीम हो गया पार्टनरशिप हो गया एजेस हो गया रेशियो हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया ठीक है पाइपसन सिस्टम हो गया है ना ये सारे पैटर्न हो गया ठीक है एंड प्रोपोर्शन हो गया तो ये वर्ड प्रॉब्लम आता है और डिपेंडिंग अपॉन वर्ड प्रॉब्लम ही आपका अगर अर्थमेटिक सेक्शन स्ट्रांग रहेगा तभी जाकर आपका डीआई वाला पार्ट स्ट्रांग रहेगा

यहां और सेवेंटी परसेंट सेक्शन है आपका ठीक है और mains की बात करूं तो स्पीड तो बच्चे को डेली आपका थर्टी मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ठीक है मान लो अगर आप छह दिन की तैयारी करो सात दिन में से अगर पूरे वीक की बात करूं तो पूरे सात दिन को छह दिन में ब्रेक करो एक दिन आप संडे का अलूफ करो बताता हूं संडे को क्या करना है छह दिन में से आपको तीन तीन दिन आपको ये तीनों टॉपिक करना है पहले दिन मान लो आप लोग क्वालिटिक किया तीस मिनट तीस मिनट के क्वेश्चंस किए ठीक है अलग अलग पैटर्न के किए मेंस के पैटर्न के किए एंड ऑल फिर अगले दिन आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करना है फिर थर्ड डे आपको नंबर सीरीज करना है फिर उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस आपको दो बार रिपीट करना तो एक वीक में एज अ टर्न दोनों

ठीक है पूरे प्रॉफिट को मान लो चार दिन में प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कन्वर्ट करना है 45 मिनट्स मिनट ईच राइट अलग अलग वेरियस टाइप के क्वेश्चंस पी वाई क्यू देखने फिर उसके बाद एवरेज कर लिया फिर परसेंटेज उठा लिया फिर ऐसे तो सबसे पहले रैंडम मॉक देने से पहले आप टॉपिक की कंसेप्ट को ध्यान रखो क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेंस में या फिर प्री में भी कि डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो अर्थ डीआई जो होता है वो अर्थमेटिक बेस्ड आ जा जाता है या फिर पूरा पुर, प्रोबेबिलिटी पर आ जाएगा पूरा आपका मेन्सुरेशन पर आ जाएगा पूरा आपका रेशियो प्रपोर्शन पर आ जाएगा एजेस पर आ जाएगा टाइम एंड वर्क पर आएगा टी पर आ जाएगा इस तरीके से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थमेटिक की तैयारी कर रहे हो वो टॉपिक वाइज करना रैंडम कभी भी तैयारी मत करना एवरेज पढ़ लिया एवरेज कंप्लीट किया आपने दिन में प्रॉफिट एंड लॉस तीन दिन में, में खत्म कर लिया टाइम्स डिस्टेंस आपने तीन चार दिन में कर दिया एजेस आपने एक दिन में खत्म कर दिया तो जो जितने बड़े टॉपिक है उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो ठीक है जैसी आपका अर्थमेटिक का सेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद आप अर्थमेटिक के ही मिक्स्ड मॉक दोगे इस 45 मिनट्स में तो डेली का टेन्योर आपका क्या है तो डेली का टेन्योर आपका डेढ़ घंटा हो गया तो एक बच्चे को डेढ़ घंटा डेली जरूर देना चाहिए मैथ्स ठीक है ये individually की तैयारी की बात करो मॉक अलग है ठीक है मॉक अलग है तो डेढ़ घंटा टाइम देना ही चाहिए ठीक है हमारी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी तो हमारी स्ट्रेटेजी आपकी ऑलिबोर्ड पर मैथ्स की ऐसी रहेगी ठीक है तो मेरा सबसे पहला मेन इंटेंशन रहता है कि जैसे ही आपका बैच लॉन्च होता है मैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे डाउट ग्रुप बता बना देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसके पास डाउट आएंगे रेलिवेंट क्वेश्चन और अगर कोई क्वेश्चन अगर बच्चे से नहीं बनता तो मैं बता देता हूँ ठीक है तो ये डाउट ग्रुप हो गया रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी आपके लेवल का मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्ड बुड एस ए प्लेटफॉर्म कई सालों से मॉक टेस्ट अच्छे लेवल पर और रेलेवेंट लेवल पर देता आया ठीक है उसके बाद डिटेल्ड करवाऊंगा उसकी डिजिट हम यूज करते हैं है, ये सारी चीजें ठीक है और चौथी चीज जो होगी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप ठीक है तो इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर वन टू वन वन आपका मेंटरशिप भी हम प्रोवाइड करवाते हैं ऑलि बोर्ड पर और ये पूरा कंसिडरिंग अगर ये पूरा देखो तो accumulate होकर ये मैथ्स की मैथ्रेटेजी रहेगी जिसमें हमको मैं आपको इस तरीके से क्वांट पढ़ा रहा ठीक है और अगर आपको क्वांट की अच्छी तैयारी करनी है डिटेल तैयारी करनी है एक अपनेपन से तैयारी करनी है और रेलेवेंट तैयारी करनी है तो ये मेरा यूज कोड कर सकते हो मेरा कोड है धड़ धड़ डी एच एडी डी एच एडी तो ये कोड करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत